हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं यहाँ? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिगोनिया प्लांट के बारे में। तो गाइस, आज मैं इसके बारे में बताऊंगी कि इसकी केयर कैसे करनी है। तो गाइस, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल लवली गार्डन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा एक छोटा सा बिगोनिया प्लांट है, मैंने इसकी कैसे केयर की, किस तरीके से इसको लगाना है और किस तरीके का माहौल इस प्लांट को पसंद होता है, ये सारी बातें मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो गाइस, ये विंटर का बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है। इसके पत्ते और फूल दोनों ही बहुत ही खूबसूरत होते हैं और ये बहुत ही डिफरेंट कलर में आते हैं और इसके पत्तों का कलर भी अलग होता है। तो गाइस, इस प्लांट को ज़्यादा धूप नहीं पसंद होता है और इसे आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे थोड़ी छन के धूप आती हो, पर डायरेक्ट इसे दिन भर की विंटर की भी धूप की ज़रूरत नहीं होती है। और गाइस, ये आउटडोर इंडोर दोनों प्लांट है और इसको बहुत ही लाइट वेट सॉइल पसंद है, जिस तरीके से कंपोस्ट और कोकोपीट और सैंड का मिक्सचर बनाकर आप लगा सकते हैं। जितनी हल्की मिट्टी होगी उतना ही अच्छे से इसका रूट मिट्टी में डेवलप होगा और प्लांट उतना ही हेल्दी होगा, ग्रो अच्छे से कर पाएगा। ये प्लांट सीड और कटिंग दोनों से अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है और ये जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होने लगती हैं, अगर हम इसे डायरेक्ट धूप में रखें या फिर टेरेस पे ही रखें तो जो गर्मियों की हीट होती है ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है और धीरे धीरे मरने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास हमेशा बना रहे तो आप इसे शेडी एरिया में या फिर कहीं ऐसे जगह पर रखिए जो कि जगह ठंडी हो और धूप न आती हो, क्योंकि इसे सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर इंडिया में 12 महीने विंटर होती तो ये 12 महीने चल जाता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, 2-3 महीने के लिए ही हमारे यहाँ विंटर होती है, इसलिए ये प्लांट इस प्लांट की लाइफ सर्कल भी कमी होती है, मगर इसको बचाया जा सकता है, इसे धूप की ज़रूरत नहीं होती है। और आप विंटर में आपके टेरेस का जो हिस्सा होता है जहाँ पर विंटर में धूप नहीं आती है, ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे भी टेरेस पर एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे धूप नहीं आती है, तो उस हिस्से पे मैंने इसको रखा है और इसमें अब फूल भी आने लगे हैं और इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं और इसके पत्तों में बहुत ज़्यादा नमी होती है, ब्रांच इसकी सॉफ्ट वुड वाली होती है, हार्ड वुड नहीं होती है और इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। वैसे भी जो लाइट वेट सॉइल होती है वो काफ़ी टाइम तक जो कोकोपीट और कंपोस्ट और सैंड की मिक्सचर वाली जो सॉइल होती है उसमें काफ़ी टाइम तक पानी रुका रहता है, तो इस कंडीशन में इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके पत्तों में और कटिंग ब्रांच में, अगर आप इसकी ब्रांच को कट करके देखें तो इसकी ब्रांच में बहुत सारी नमी पहले से ही मौजूद होती है जो कि प्लांट को काफ़ी टाइम तक पानी की कमी को पूरा करता रहता है, इसीलिए इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा पानी देने पर ये प्लांट गल जाता है। इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ होती रहे, फूल अच्छे आते रहे और ये प्लांट बुशी हो जाए, इसलिए जिस तरीके से हम सभी विंटर के फ्लावर प्लांट की केयर करते हैं, सॉइल देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, उसी तरीके से इसका भी केयर करना होता है, बस इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसमें फास्फोरस वाली कोई सी भी खाद डाल सकते हैं, बोन मील डाल सकते हैं, DAP डाल सकते हैं, और हालांकि जितने भी विंटर वाले फ्लावर प्लांट होते हैं वो सीजनल होते हैं, तो उनमें ज़्यादा या कम उनकी केयर की जाए तो भी उनमें फूल आते ही आते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में आए या फिर कम क्वांटिटी में आए। तो गाइस, ये मेरा बिगोनिया प्लांट इसी तरीके से मैं केयर करती हूँ और इसी तरीके से अगर आप भी केयर करेंगे तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। हालाँकि इस पर कोई भी कीड़े मकौड़े जम्स मिली बग और माहों का अटैक नहीं होता है, मेरे पे नहीं हुआ, तो मुझे लगता है होता भी नहीं है। और ये इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं, कुछ पिंक होते हैं, कुछ रेड होते हैं, तो ये मेरे पास रेड कलर का है और ये प्लांट देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसमें एक ये रेड कलर का फूल, उसमें से येलो कलर निकला हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसे अगर प्रून किया जाए, इसके जब फूल आने बंद हो जाते हैं तो इसे प्रून कर दिया जाए तो ये काफ़ी बुशी हो जाता है और इसकी लाइफ सर्कल भी बढ़ जाती है। और इसी तरीके से इसको प्रून करने से, कटिंग कट कट के लगाने से प्लांट भी हो जाते हैं और साथ ही साथ ये प्लांट भी बुशी होता चला जाता है, और ये प्लांट जितना ही बुशी होता है उतना ही देखने में खूबसूरत लगता है, ज़्यादा ब्रांच डिवाइड होता है तो उस पर फूल भी ज़्यादा लगते हैं,
तो गाइस आई होप हम आपको इसकी केयर के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव यू नाइस डे।